एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है। गन केन का गला दबाकर केन को बेहोश कर देता है। और तभी वहाँ पे लुई भी केन को ढूंढते ढूंढते आ जाता है। तो गन कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। लुई कहते हैं कि वह हांगकांग रेस्टोरेंट के ओनर का बेटा है और तुम भी उसके साथ काम करते हो। गन को याद आ जाता है और वह कहता है कि वह यहाँ पर क्यों आएगा। लेकिन लुए को विश्वास नहीं होता तो वह जाकर गन के घर में देखने लगता है। गन कहता है अगर वह यहाँ आता तो वह तुम्हें दिख जाता। और तभी केन के खांसने की आवाज़ आती है तो गन वहाँ से भाग जाता है। लुए केन के पास जाता है तो केन रस्सी की तरफ इशारा करते हैं। लुए केन के गले में बंधी रस्सी को खोलते हैं और फिर केन कहता है कि तुम गन का पीछा करो। तो लुए गन के पीछे चला जाते हैं और गन दौड़ते दौड़ते सड़क पर आ जाते हैं जहाँ पे वही मास्कमैन खड़ा होते हैं। वह गन के पास आते हैं और गन का गला दबाकर गन को मार डालते हैं। तभी वहाँ पे लुए भी आ जाते हैं तो वह मास्कमैन लुए पे गन पॉइंट कर देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा मामला नहीं है। तो लुए कहता है कि तुमने उसे क्यों मारा। तो वह कहता है इसने पूरा काम खराब कर दिया और तुम इससे दूर ही रहो समझी। और यह कहकर वह मास्कमैन वहाँ से चला जाते हैं। फिर लुए किसी लड़की को कॉल करता है और कहता है कि मैं फॉरेस्ट के किनारे पर हूँ। तो वह लड़की कहती है ठीक है मैं देख लूँगी। और फिर वह लड़की लुए को GPS के थ्रू ट्रैक करती है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। डीन और केन एक मॉन्क के पास बैठे होते हैं। डीन कहता है कि यह आपसे मिलना चाहता था। मॉन्क कहता है कि यह किस बारे में है। तो केन कहता है कि ये मुझसे कहा करता था कि वह अक्सर आपसे मिला करता है लेकिन ये कभी भी मुझे आपके पास नहीं लेकर आया। और जब ये इस एरिया में था तो ये कहता था कि ये बहुत दूर है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो डीन कहता है हाँ मैं सच्ची तो कह रहा था। केन कहता है कि इसमें कोई भी खतरा नहीं है और ये जंगल है तो यहाँ खतरा कैसे हो सकता है। मोंग कहता है कि तुम लोग अब आगे कहाँ जाने वाले हो। तो केन कहता है डीन ने मुझे कहा था कि हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं। तो मोंग डीन को एक तावीज़ देता है और तभी डीन के पास खतरे का मैसेज आता है तो वह उठ के जाने लगता है और डीन केन को नहीं लेकर जाता। तो केन डीन के साथ जाने की जिद करने लगता है। डीन कहता है कि जंगल में खतरा है और अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं शाम होने से पहले वापस आ जाऊंगा। केन कहता है कि तुम हमेशा ही अपने इस स्टूपिड जॉब के लिए मुझे छोड़कर चले जाते हो। तो डीन कहता है कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। और फिर डीन अपने साथी के पास आ जाता है जो लकड़ी के स्मगलर पर नज़र रखे हुए थे। तभी डीन को एक आदमी दिखाई देता है तो वह अपने साथी से पूछता है क्या ये भी हम में से एक है। और तभी उनके पीछे किसी ने गन पॉइंट कर ली होती और उन दोनों को पकड़कर एक आदमी के पास लाया जाता है। डीन का साथी उन आदमियों से मिला हुआ था। और फिर हमें दिखाया जाता है वह चीप होता है जो लकड़ी की स्मगलिंग करता है। डीन का साथी डीन को चीप से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहते हैं कि इसे नेचर को बचाना बहुत पसंद है। तो चीप डीन से कहते हैं कि मुझे भी ये सब पसंद है लेकिन क्या हम लोग पहले मिल चुके हैं। तो चीप का आदमी कहता है कि ये मसाज पार्लर का बेटा है। चीप कहते हैं तब तो हम दोनों अजनबी नहीं है, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। मैं तुम्हारे पेरेंट्स को अच्छी तरीके से जानता हूँ तो चलो हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और यह कहकर चीप डीन को मनी ऑफर करता है लेकिन डीन रिजेक्ट कर देते हैं। और फिर डीन अपने साथी से कहते हैं कि तुम इन्हें अरेस्ट क्यों नहीं करते। तो डीन का साथी डीन का कॉलर पकड़ता और कहते हैं कि तुम होते कौन हो और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे लेक्चर देने की और तुम्हारे यहाँ आने से पहले यहाँ मैं आया था। और चीप बहुत ही काइंड पर्सन है जो तुम्हें पैसे ऑफर कर रहे हैं और तुम्हारे लिए इतना मुश्किल क्यों है इनके पैसों को एक्सेप्ट करना। और तभी डीन के सर से कैमरा गिर जाता है जो वह लेकर आया था। तो डीन उस कैमरे को उठाकर भागता है और उसके पीछे वो गैंगस्टर भी भागने लगते हैं। फिर हमें केन को दिखाया जाता है। केन डीन का वेट कर रहा होता है। जब डीन नहीं आता तो केन रोने लगते हैं और इसी घबराहट की वजह से केन डीन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और दूसरी तरफ डीन उस कैमरे को एक जगह छुपा देते हैं
और फिर घर आ जाता है। लेकिन जब वह घर आता है तो वह देखता है कि वहाँ पर केन नहीं था, तो वह केन को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। लेकिन केन उन्हें स्मगलर्स को मिल जाता है और वह कहते हैं कि हम तुम्हें डीन के पास लेकर जाएंगे। और वो जैसे ही केन को पकड़ने वाले होते हैं, वहाँ डीन आ जाता है और केन को पकड़ कर ले जाता है। और फिर हमें सीरीज के स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है जब केन और डीन भाग रहे होते हैं और वो दोनों भागते भागते एक पहाड़ी किनारे पर आ जाते हैं। और डीन केन को बचाने के लिए उस स्मगलर से झगड़ा करने लगते हैं और तभी डीन को किसी ने शूट कर दिया होता है। और फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि डीन को चीप ने शूट किया होता है और इसी सपने के साथ केन उठ जाते हैं। लुए केन के पास आते हैं और कहते हैं क्या तुम ठीक तो हो, लेकिन केन घबराहट के कारण कुछ भी नहीं बोलता। फिर लुए केन को बताता है कि वह उसी फिन के घर के बाहर मिला था, वह अनकॉन्शियस था, इसीलिए अगर वह होटल लेकर जाता तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता, इसीलिए वह उसे पास की जगह लेकर आ गया। तो केन लुए को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलते हैं। लुए कहते हैं क्या तुम मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करोगे कि ये सब क्यों हो रहा है और तुम पे अटैक क्यों हुआ था और फिन ने तुम पर अटैक क्यों किया था। तो केन कहते हैं कि तुम ही हो जिसने मुझे बताया कि फिन को मार दिया गया है और जिसने हमारी कार की टक्कर की थी वो दोनों पर्सन एक ही थे। तो लुए कहते हैं हाँ मुझे वह अच्छी तरीके से याद है। केन कहते हैं कि उसने फिन को क्यों मारा। तो लुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि वह चाहता है कि वह अपना मुंह बंद रखे। और फिर लुए के इंसिस्ट करने पर केन लुए को अपनी और डीन की सारी स्टोरी बता देता है। स्टोरी सुनने के बाद लुए कहते हैं कि मुझे तुम्हारे फॉर्मर लवर के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन डीन बहुत ज़्यादा खुश होगा जब तुम उसके फेयरवेल में गए। लेकिन मुझे लगता है कि डीन थोड़ा दुखी भी होगा क्योंकि तुम अभी बहुत मुसीबत में हो। डीन कहता है कि ये कोई मायने नहीं रखता कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं कहाँ हूँ, कुछ लोग बस मुझे हर्ट करना चाहते हैं। तो लुए कहते हैं कि वो कौन है, क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें किसी पर शक है। केन कहता है मिस्टर लुए क्या आपको पता है कि इसमें कितना ज़्यादा खतरा है, आप जितना जानते हैं उससे ज़्यादा आपको अब नहीं जानना चाहिए। और केन जाते हुए लुए से कहते हैं कि मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट डे जब केन उठते हैं तो वह देखता है कि लुए पेंटिंग कर रहा होता है। तो केन लुए के पास आ जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम्हें पेंटिंग करना अच्छा लगता है। लुए कहते हैं हाँ मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है, क्या तुम भी ट्राई करना चाहोगे। तो केन मना कर देते हैं। फिर लुए केन को ब्रेकफास्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या खाना पसंद है। केन कहते हैं कि मुझे सब कुछ खाना अच्छा लगता है। लुए कहते हैं तो फिर चलो हम लोग खाना खाते हैं। और फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद केन एक जगह खड़ा होते हैं तो लुए एक बाइक लेकर आते हैं। केन लुए से पूछते हैं कि आपकी कार कहाँ है। लुए कहते हैं कि यही तो मेरी कार है और तुम कहाँ जा रहे हो। केन कहते हैं कि बस मैं घूमने जा रहा हूँ। तो लुए कहते हैं तो चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। और फिर लुए केन को हेलमेट पहनाते हैं और वो दोनों चले जाते हैं। और फिर वो दोनों दिन भर घूमते रहते हैं और मोंग को दीक्षा वगैरह देते हैं, शॉप में खाना वगैरह लेते हैं और एक दूसरे को भी खिलाते हैं। और जब वो दोनों एक शॉप से गुजर रहे होते हैं तो लुए को वो शॉप बहुत पसंद आती है और वह केन का हाथ पकड़ के उस शॉप में चला जाते हैं। केन शॉप में कुछ सामान देख रहा होते हैं और लुए उसी की तरफ देख रहा होते हैं। और जब केन लुए की तरफ देखते हैं तो वह स्माइल करने लगते हैं। और गाइस यहाँ हमें फर्स्ट टाइम केन को इतना ज़्यादा स्माइल करते हुए देखा है। तो लुए फिर केन के पास आ जाते हैं और लुए के बहुत ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से केन साइकिल करके वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों लंच करने के लिए आ जाते हैं। केन लुए से पूछते हैं कि आपको कानोन जिम सावनान खाना पसंद है। लुए कहते हैं कि ये मैं पहले भी खा चुका हूँ और ये तुम्हारी लवर की फेवरेट डिश है ना। तो केन कुछ भी नहीं बोलता। लुए कहते हैं कि मुझे उससे जलन होती है। केन पूछते हैं कि तुम्हें उससे जलन क्यों होती है। लुए कहते हैं कि उसके पास तुम्हारा जैसा लवर है
जो उसके लिए बहुत लॉयल है और ना ही वह दोबारा किसी और से प्यार करने लगा है। तो यह सुनकर केन उदास हो जाता है और गाइस यहाँ लगता है कि केन लुए के लिए कुछ तो फील करते हैं। और फिर वह लुए से कह देता है कि बस वही है जो उसके पास था। तो यह सुनकर लुए भी सैड हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए शायद फील तो करते हैं लेकिन एक दूसरे को कहते नहीं हैं। फिर लुए केन से कहते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे और वो शायद तुम्हें ढूंढ भी रहे होंगे। तो केन लुए का फ़ोन लेकर अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, दीदी कॉल पिकअप करते हैं और वह कहते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम किसी और लड़के के साथ नाइट स्पेंड कर रहे हो और ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। और वो उस पर चिल्लाने लगते हैं। तभी पायू फ़ोन ले लेता है। केन पायू से कहते हैं कि तुम लोगों को मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए। पायू कहते हैं लेकिन तुम अभी हो कहाँ? केन कहता है कि मैं ठीक हूँ और मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। तभी हिम कॉल ले लेता है और कहता है कि नोक अंडर डीलिंग जो पकड़ा गया था अब उन लोगों को मार दिया गया है। तो यह सुनकर केन शोक हो जाते हैं। और फिर हिम कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम भी खतरे में हो। और कॉल कट होने के बाद केन को टेंस देख कर लुए पूछता है क्या तुम ठीक तो हो? केन कह देता है कि बस मेरे फ्रेंड्स को मेरी चिंता हो रही थी। और फिर केन और लुए एक जगह आ जाते हैं और लुए केन से पूछते हैं क्या तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो? केन कहते हैं हाँ लेकिन मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी टाइम हो चुके हैं। और फिर केन मोंग से मिलने चला जाता है। मोंग केन से पूछते हैं क्या डीन भी तुम्हारे साथ आया है? तो केन कहता है वह नहीं आया, मेरे साथ मेरा फ्रेंड आया है। और जब केन पीछे घूमता है तो वह देखता है कि वहाँ पर लुए नहीं होता। और फिर हमें दिखाया जाता है लुए के पास एक आदमी आता है और वह चीप होता है और वह कहते हैं हाय मिस्टर लुए। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।